प्रदीप सिंह खेड़ा ते मोर्चे का बयान भी सामने आया। नौ बंदी सिखां दे विच खेड़ा भी शामिल ने। मोर्चे का कहना है कि जो नौ बंदी सिखां दी रिहाई की मांग की जा रही है, उस सूची दे विच गुरदीप खेड़ा का नाम भी शामिल है। खेड़ा मोर्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने कहना है कि खेड़ा मोर्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जेड़े बंदी सिखां दी नौ सिखां दी रिहाई की मांग की जा रही है, उस दे विच गुरदीप खेड़ा का नाम भी शामिल है। खेड़ा ने मोर्चे नूं सवाल किया सीगा कि धर्म के आधार पर रिहाई ना मंगण की सलाह दी गई सी, ते सजा पूरी कर चुके हर कैदी की रिहाई मंगण की उन्होंने वालों सलाह दी गई। मोर्चा के विच आउंदे फंडां ते भी सवाल किया गया गुरदीप खेड़ा के वालों। इस तों बाद कौमी इंसाफ मोर्चे का यह बयान सामने आया कि नौ बंदी सिखां दे विच खेड़ा भी शामिल ने, खेड़ा मोर्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कौमी इंसाफ मोर्चे का बयान सामने। हालांकि गुरदीप खेड़ा ने इस नूं लैके अजिहा कुछ नहीं कहा कि उन्हां दे नाम का क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा, उन्हां दी रिहाई की मांग क्यों नहीं की जा रही। उन्हां दा यह कहना सीगा कि धर्म के आधार से रिहाई की मांग नहीं होनी चाहिए। गुरदीप खेड़ा का यह कहना है कि जिहड़ा भी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुका है, चाहे वह किसी भी धर्म के नाल संबंधित होवे, उसकी रिहाई की मांग होनी चाहिए है। तो जिस तों बाद हुण कौमी इंसाफ मोर्चे का बयान सामने आया, उन्होंने कहना है कि नौ बंदी सिखां दे विच खेड़ा भी शामिल है, तो खेड़ा मोर्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। कोई वो नहीं, पर किसी ने पहला दसो, पहला उन्होंने जिहड़ी बछाड़ा या रोड़े मारने वो जायज़ जब उन्होंने साडे अणख नूं बिगाड़िया, साडे ते हमला करिया, वो अपने बचाव वास्ते करिया जिहड़ा सानू गुरु साहब ने बख्शिया, कोई असीं उन्हां दे तलवारां नहीं चलाई। असीं तां सारिआं वास्ते वो गुरदीप सिंह खेड़ा भी उन्होंने नौआं च विच जिन्हां दी सज़ा पूरी होगी, असीं तां गल उन्हां दी कर रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨੌ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।